आज हमने बनाना है मोल्ड। मोल्ड के लिए जो है ना हमें कुछ स्टेप्स देखने हैं। वैसे तो ये 3-4 स्टेप्स के अंदर जो है ना मोल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो इन 3-4 स्टेप्स को समझने के लिए ना हम ये अपने मॉडल की जो है ना ये हिस्ट्री ट्री देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। बेसिकली जो असल में जो काम शुरू हो रहा है हमारा, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला स्टेप पार्टिंग लाइन, दूसरा पार्टिंग सरफेस, और तीसरा टूलिंग स्प्लिट, चौथा जो है ना उस बॉडीज़ को हमने जो क्रिएट हो चुकी होती है उनको सेव करना होता है, एक फाइल बनानी होती है। तो ये जब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो उसके बाद हम उनको सेव कर लेते हैं। फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। चलें अब ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने जब मोल्ड बनाना है तो ये वाला जो ऑप्शन है मोल्ड टूल का, ये रिबन ऑन होनी चाहिए आपकी। अगर नज़र ना आए तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करके टैब्स के अंदर जाके मोल्ड का जो है ना वो टैब होता है इसको आप चेक कर लें। तो आपके सामने फिर ये मोल्ड का जो है जितने भी इसके अंदर टूल हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो कि होता है पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन चूँकि मैं बना चुका हूँ तो मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दूंगा कि ये किस तरह से बनती है, ठीक है। इस पर मैं एडिट फीचर में जाऊंगा। अच्छा जी, इसकी पुल डायरेक्शन जो है वो नीचे है, सही है। पार्टिंग लाइन हमारी ये ब्लू वाली शो हो रही है और इसकी पुल डायरेक्शन हमने नीचे रखी हुई है। यहाँ से आपको वो तमाम एजेस जो है ना वो सिलेक्ट करने होंगे, जैसे अगर हमने इस एज को लिया, ठीक है, ये पहला एज था हमारा। तो इस तरह से आपने तमाम एजेस को, इसे मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि पार्टिंग लाइन जो है दरअसल वो जगह होती है जहाँ से पार्ट में आके मिलना हो। और अच्छा जी, अब आपकी आपने खुद ही जो है अंदाज़ा लगाना है कि मोल्ड में जो है पार्टिंग लाइन कहाँ सूटेबल है। जैसे मुझे यहाँ सूटेबल लग रही है तो फिर मैं इसकी तमाम ये बाउंड्री सेलेक्ट कर लूँगा। ये बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद जब इसका कंप्लीट लूप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से पार्टिंग लाइन कंप्लीट का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको जस्ट ओके कर लेंगे। अच्छा, पार्टिंग लाइन बनाने के बाद फिर हमें पार्टिंग सरफेस जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। पार्टिंग सरफेस को हम देखते हैं हमने किस तरह से क्रिएट किया हुआ है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले जो है ना टॉप सरफेस फ्रंट जो है, क्योंकि वो फ्रंट प्लेन हमारे इसके टॉप पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमने एक रेक्टेंगल जो है ना क्रिएट कर लेना है इस तरह से। ये जब हम क्रिएट कर लेंगे तो हमने मतलब स्केच में जा कर के करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना जो सेटिंग्स है हमारी सिलेक्ट पार्ट लाइन फीचर और मोल्ड एजेस क्रिएट पार्ट लाइन सरफेस, तो हमने इसमें यहाँ पर पार्टी लाइन ही को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और फिर यहाँ से जस्ट ओके कर लें। अच्छा जी, अब तीसरी बात आती है टूलिंग। अच्छा जी, सबसे पहले पार्टिंग लाइन हमने यूज़ किया, फिर हमने पार्टिंग सरफेस, उसके बाद फिर हमने टूलिंग स्प्लिट करनी है, ठीक है। इसको हम एडिट करते हैं यहाँ से, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। 3 पार्ट हैं इसके अंदर। पहला जो है वो पार्टिंग सरफेस था, दूसरा हमारे पास पार्टिंग लाइन, और तीसरी जो पार्टिंग लाइन है वो हमारे पास कैविटी की है, कोर की है, और पार्टिंग सरफेस जो एक्चुअल
जो सरफेस था यानी कि पार्ट का, तीनों चीज़ें सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट कर ली हैं। अब हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ठीक है, आखिर में हमारे पास इन बॉडीज़ के सेव करने की बारी आती है।